एवरीवन, दिस इज ओवर बड़ाज फाउंडर ऑफ एजुकेशन और टीम्स इन इंडिया। आज हम खड़े हैं तब वेस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी नंबर 3 के बाहर। ये शिवशंकर है, पुणे महाराष्ट्र पे, इन्होंने तब वेस्टेड में एडमिशन लिया है। शिवशंकर, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैंने अपना EOCL का सर्च अपना गूगल ऐप पे जाके सर्च किया तो मेरे को मेरे नज़दीक का बानेर का ऑफिस मिल गया, जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। और जाने के बाद इन्होंने जो अलग यूनिवर्सिटी है, दूसरे यूनिवर्सिटी है, उनका भी डाउट क्लियर कर दिया। जो ज़्यादा फीस ले रहे हैं, जो डॉलर में फीस ले रहे हैं, उनका भी डाउट हमारा क्लियर कर दिया। जो मैं 2-3 जगह जाके आया था, वो मैं उसमें कंफ्यूजन में था, उन्होंने ये कंफ्यूजन क्लियर करके मेरे को जो एकदम बेस्ट यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया। मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे, तवेर और इम्यूनल कांत बाल्टी, तो मैंने तवेर में एडमिशन ले लिया। आप भी ले लो। बाकी एयरपोर्ट से या जो भी चीज़, EOCL मेरी तरफ से अच्छा है, आप EOCL में आते जाओ। थम्स अप महाराष्ट्र पुणे से है। मैं आपको दे रहा हूँ दूसरी सिफ्ट आपकी, क्योंकि आपका रायता ही आपकी अथॉरिटी है। आपकी और भी सीनियरों से बात हुई होगी, किसी को रिसिप्ट मिली नहीं आज तक तवेर के अंदर, है ना। तो ये चीजें आप समझो कि जो भी फ्यूचर में क्लाइंट आ रहे हैं, जो भी फ्यूचर में बच्चे कलिंगराज इमानुल खान बाल्टी फेडरल या तवेस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी के आने में प्लान कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि फीस सिर्फ क्या होती है, फीस कहाँ से मिलती है। ये साल बच्चे हमारे खुद से फीस सबमिट करेंगे। बाकी जितनी भी कंपनी यहाँ पे वर्कआउट कर रही है, 99% लोग फीस सिर्फ नहीं देते हैं। रीजन क्या है, फीसों में मैनिपुलेशन है। कोई 8% बढ़ा रहा, कोई 12% बढ़ा रहा, कोई पेनल्टी लगा रहा है ना, कि आपके सीनियर ने आपको बताया सारा। तो इन फ्रॉडों से बचो। हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं यूट्यूब की वीडियो देख के कि इसके तो और 10,000 व्यू हैं, इसके 50,000 व्यू हैं, इसके थ्रू एडमिशन लेना है, है ना। आप किसी भी एजेंसी के थ्रू एडमिशन लो, हम ये नहीं बोलते आप हमारे पास हमसे एडमिशन लो, किसी भी एजेंसी से एडमिशन लो आप, बट इन चीज़ों पे वर्कआउट करो। आपको पता होना चाहिए, हम हर वीडियो में बार बार रिपीट कर रहे हैं चीज़ को, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हो उनसे पूछो ना कि हमने पहले एडमिशन करवाएंगे, वो कहते हैं बहुत सारे एडमिशन करवाएं, कौन से बोलो उन बच्चों की फीस रिसिप्ट का रिकॉर्ड दिखा दो, है ना। अगर आपको रिकॉर्ड मिलता है तो या तो वो हमारा कोई एसोसिएट होएगा, है ना, या फेक रिसिप्ट होएगी, नहीं तो अगर आपको रिसिप्ट मिलती है आपको थ्रू करियो उसको, उसके पास से आप एडमिशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ना उमेश। तो ये आपको रिसिप्ट मिल गई है, तो आप अपनी फीस खुद से सबमिट करोगे हमेशा, है ना। फीस का पूरा फ्रीडम है। बाकी आपको हमारे सीनियर ने बताया कि कितना बैक एंड सपोर्ट हमारे साइड से रहता है। महाराष्ट्र से है ये, महाराष्ट्र को हमारी कंपनी डोमिनेट कर रही है, सबसे ज़्यादा बच्चा हमारे पास से ही जाता है महाराष्ट्र से, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।